खरगोन जिले के ग्राम नागझिरी ग्रामवासियों ने पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामवासियों ने मांग की है कि पंचायत में चल रही अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के कारण ग्रामवासियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि नागझिरी ग्रामवासियों ने बीते दिनों भी इसी संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव की शिकायत की थी। खरगोन से ओजस निहाले की रिपोर्ट। हम ये समस्या लेके आए कि कल अगले साल मेरा घर मुड़ गया, पानी भी था और कोलम भी बदल गए थे और पानी इतना था तो वो देख के आए फोटो खींच के, अभी तक मेरे को छुट्टी नहीं मिली। मेरा घर वाला अंधा है दो आंख से, तो मेरे को परेशानी ये नहीं मेरे को पेंशन मिलती नहीं मेरे को कोई सुविधा मिलती। आपकी समस्या क्या है, पेंशन है या मकान है? आपकी समस्या क्या है, पेंशन है या मकान है? मकान भी नहीं मिलता और पेंशन भी नहीं मिलती। कब से नहीं मिल रही? मिली नहीं रही, अभी चालू नहीं हुई। मतलब देखा जाए शासन की योजनाओं का आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। पंचायत में आपने इसको सूचना दी? वो सूचना दी और दिए कब गए, तो वो जो कुर्सी पे बैठा उसका नाम ये है मंत्री नहीं शुभम, शुभम है वहाँ पे गोली, तो उसने मेरे कागज कर्मचारी तो उसने मेरे कागज को ले नहीं, तो सामने वाले बैठे थे कुर्सी पे, उसने बोला कि तू ले ले। क्यों नहीं, क्या कारण हो रहा है, क्यों नहीं दे रहा? नहीं लेते कहीं चाह कहीं आठ दस्त कर दिए पर कोई नहीं लाभ देते, उसको ला के पटन देते, सुनवाई नहीं कर रहे, सुनवाई नहीं कर रहा। क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।